मार्गदर्शन में और मजबूत होगा ब्रांड गोरखपुर। शुक्रवार को गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 10 लोगों को देंगे गोरखपुर रत्न सम्मान। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले कृषि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया ब्रीफ। कहा, पूरे मंदिर परिसर को 3 सुपर जोन 10 जोन 25 सेक्टर में गया है बाटा। पूरा मंदिर परिसर सीसीटीवी कैमरे से है लैस, ड्रोन कैमरे से की जाएगी निगरानी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा के आधिकारिक प्रत्याशी के रूप में आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर किया नामांकन। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में देवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मतों से बनाए विजयी। गोरखपुर महोत्सव 2023 में बुधवार को अपने संगीत के माध्यम से जलवा बिखेरने वाले बॉलीवुड सिंगर अमन त्रिखा ने महोत्सव में नागरिकों के द्वारा उत्साह व ढेर सारा प्यार मिलने पर गोरखपुर वासियों को दिया धन्यवाद। कहा, प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद गोरखपुर सहित अन्य जनपदों का हुआ है तेजी से विकास। यूपी में फिल्म सिटी बनने के बाद यूपी व बिहार के कलाकारों को अपना प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मंच। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के कैंप कार्यालय का पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, इस कार्यालय पर जनपद के सभी वोटरों का है लिस्ट, कोई भी वोटर यहां अपना नाम देखकर कर सकता है मतदान। गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में डॉग शो का किया गया आयोजन करवाई गई। प्रतियोगिता जिलाधिकारी की पत्नी संगीता ने प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले डॉग को मेडल पहनाकर किया सम्मानित। दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी को देखने के लिए उमड़ी भीड़। खास रही बेसिक शिक्षा विभाग की प्रदर्शनी। नगर शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा, बच्चों को शिक्षा से संबंधित खेल खिलाते हुए देते हैं जानकारी। गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत 7 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने विजेता टीमों एवं खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। कहा, यही बच्चे आगे चलकर भारत माता का बढ़ाएंगे मान सम्मान और करेंगे देश की सेवा। की वजह से जिला अस्पताल में अधिक आ रहे हैं सर्दी खांसी जुकाम के मरीज। एमडी फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, ठंड से बचाव के लिए करें गुनगुने पानी और गर्म कपड़े का प्रयोग, हाथ पैर को ना रखें खुला। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर द्वारा यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 200 प्रतिभागियों ने किया प्रतिभाग। पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, स्वामी विवेकानंद हमारे हैं प्रेरणा स्रोत। युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का जीवन है आदर्श। और कड़ाके की ठंड का सिलसिला 12वें दिन भी रहा जारी। सुबह से ही घने कोहरे के साथ साथ गलन है बरकरार। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, 14 जनवरी तक कोल्ड वेव या येलो और ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। रैन बसेरों में जाने में परेशानी होती है तो उनके नंबर 9454417415 पर कर सकते हैं संपर्क।